अगर वही पुरानी एक्शन मूवीज देख के आप बोर हो गए जिससे आपको वो किक मिलना चाहिए जो आपको अभी नहीं मिल रहा, तो ऐसी 10 एक्शन मूवीज लेके आए जो एकदम न्यूली 2024 में आई है। तो बिना कोई देरी करते इस टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। नंबर 10 की मूवी है द यूनियन। ये कुछ आती है 5.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें माइक दिखाया जाता है जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, और तभी उसकी लाइफ में उसके दोस्त की एंट्री हो जाती है और फिर ये दोनों सैर सपाटा करते हैं। उसके बाद वो दोस्त माइक को बेहोश करके दूसरी कंट्री ले जाता है। वहां पर फिर सीक्रेट इंटेलिजेंस इन दोनों को एक मिशन दे देता है जहां पर एक गद्दार को उनको ढूंढ के निकालना है किसी भी कीमत में, और उसके पास कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से इंटेलिजेंस खतरे में आ सकता है। फिर उसके बाद माइक को ट्रेन करके ये मिशन पे भेजा तो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या क्या चीजें इन दोनों के साथ होने वाली है और क्या ये मिशन कंप्लीट होगा कि होगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का एक्शन दिखाएगी, उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल दिखाएगी, लेकिन जो इसकी स्टोरी लाइन है बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल तरीके से आती है। ये मूवी का जो स्क्रीन प्ले रहता है वो भी काफी एकदम इंगेज लिखा गया, जिसकी वजह से ये मूवी आप 1 hour 47 minutes अच्छे से एंजॉय करने वाले। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखिएगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 9 की मूवी है माय स्पाई द इटर्नल सिटी। ये कुछ आती है 5.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जेजे दिखाया जाता है जो रिटायर एजेंट रहता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी रहा होता है, और तभी वो सोफी के साथ मिलके इटली जाता है एक स्कूल ट्रिप पे, और फिर इन दोनों को एक मिशन दे दिया जाता है जहां पर टेररिस्ट लोग ने अलग अलग जगह पे इटली पे बॉम्ब प्लांट कर दिए, और इन दोनों को किसी भी तरीके से वो टेररिस्ट अटैक को रोकना है। आप कैसे वो रोकने वाले उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का एक्शन दिखाती है और उसी के साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी दिखाती है, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज्यादा बच्चों टाइप की फील होती है, और ये मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही ज्यादा लैक जाता है, और ये मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन ये मूवी हालांकि एक अच्छा खासा वन टाइम वॉच आपको एक्सपीरियंस देगी, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ही कम करके ये मूवी को ट्राई कीजिएगा। ये आपको Amazon Prime पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। He's so embarrassing. नंबर 8 की मूवी अर्गाइल। ये कुछ आती है 5.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एली दिखाई जाती है जो अपनी लाइफ के बेस्ट सेलिंग बुक लिखती है, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसके बुक के लिखे हुए इवेंट रियल लाइफ में हो रहे होते हैं, और फिर उसके बाद एली के पीछे एक स्पाई एजेंसी लग जाती है और एक इविल एजेंसी लग जाती है, और इन दोनों में रेस छिड़ चुकी है कि कौन एली तक सबसे पहले पहुंचेगा, और एली की लाइफ एकदम खतरे में आ चुकी है। क्या फिक्शन है और क्या रियल लाइफ है, ये सब में भी एली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए चली जा रही है। अब एली की लाइफ किस तरीके से बचने वाली उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी एक डेडली कॉम्बिनेशन है एक्शन और कॉमेडी का, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया और इसमें एकदम फ्लुएंट एक्शन सीक्वेंस डाले गए स्पेशली ट्रेन वाले, तो वो एकदम अच्छी तरीके से ये मूवी को पीक करा देते हैं। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखिएगा, और इसकी स्टार कास्ट में आपको एक से एक एक्टर देखने मिलेंगे, और ये मूवी का जो स्क्रीन प्ले वो भी काफी इंगेजिंग लिखा गया है जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा ये 2 hours 19 minutes कहां निकल गए मेरे। ये मूवी आपको एप्पल टीवी पे देखने के लिए मिल जाएगी। इट्स टाइम फॉर यू टू मीट द रियल एजेंट आर्गाइल। नंबर 7 की मूवी है जैकपॉट। ये कुछ आती है 5.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें केटी दिखाई जाती है जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रहती है, और फिर उसको अचानक से एक दिन जैकपॉट लग जाता है। जैकपॉट लगने के बाद पूरा शहर उसको मारने के लिए तुल चुका है और पूरा शहर एकदम खून का प्यासा हो चुका है केटी का। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है जॉन सीना के कैरेक्टर की, जो उसको किसी भी कीमत पे बचाना चाहते हैं। अब जॉन सीना केटी को क्यों बचाना चाहते हैं और किस वजह से बचाना चाहते हैं, और केटी क्या अपनी लॉटरी बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देख के पता करने पड़ेंगे। ये मूवी में अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा, उसके साथ अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी देखने में मिलेगा, और ये मूवी में आप दिमाग मत लगाइएगा नहीं तो ये मूवी आपके लिए वन ऑफ द वर्स्ट मूवी बन जाएगी। और ये मूवी में जॉन सीना का जो कॉमिक टाइमिंग था वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये मूवी के लिए काम कर जाता है, और ये मूवी स्टार्ट ही एक्शन से होती है और खत्म भी एक्शन पे ही हो जाती है, और ये मूवी कुछ 1 hour 45 minutes की है। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखिएगा। ये मूवी आपको Amazon Prime पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 6 की मूवी है मिशन क्रॉस। ये कुछ आती है 6 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें कैंग दिखाया जाता है जो एक फॉर्मर एजेंट रहता है, वो अपनी सिंपल लाइफ जी रहा होता है एकदम सीक्रेटली अपनी वाइफ से छुपा के। फिर उसकी जो वाइफ रहती है वो क्राइम स्क्वाड में रहती है, और उसकी वाइफ एक ऐसे केस में फंस चुके है जहां पर कैंग को वापस से उसकी वाइफ को वहां से निकालना रहता है। अब कैंग को ना चाहते हुए वापस से हथियार उठा के अपनी वाइफ के लिए निकलना पड़ जाता है, और उसके बाद जो एक्शन का सिलसिला शुरू होता है, अब आगे किस तरीके से चीजें वो कैंग हैंडल करने वाला है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का एक्शन दिखाती है और उसी के साथ अच्छी खासी डिसेंट कॉमेडी भी मेंटेन करती है, और ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छा स्क्रीन प्ले भी लेके आती है। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखिएगा, और ये मूवी कोरियन की तरफ से आ रही है तो सोच सकते हो क्या लेवल की ये मूवी होने वाली है। लेकिन ये मूवी की जो स्टोरी वो अच्छी खासी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, और ये मूवी कुछ नया नहीं देती स्टोरी के मामले में। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और अब आपको आम नागरिक बनना पड़ेगा। नंबर 5 की मूवी द इंस्टिगेटर। ये कुछ आती है 6.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें रोरी और कोबी दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन उनको साथ में आना पड़ता है एक हाइस्ट को अंजाम देने के लिए, और वो लोग हाइस्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद पुलिस उनके पीछे लग चुकी है। अब कोबी और रोरी किस तरीके से ये मुसीबत से निकलने वाले हैं और किस तरीके से वो पुलिस के हाथ
सख्त आने से बचने वाले। ये सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देख के पता करने पड़ेंगे। ये मूवी में आपको कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा, उसी के साथ अच्छा खासा फ्लुएंट एक्शन देखने मिलेगा। जिस तरीके से हाइस्ट को प्लान किया जाता है, ये मूवी को अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। उसी के साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने मिलती है और एकदम फ्लुएंट इसका स्क्रीन प्ले रहता है, जिसकी वजह से आप ये मूवी से एकदम चिपक से जाते हो और 1 hour 41 minutes कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अफसोस ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है एप्पल टीवी पे। नंबर 4 की मूवी है बैड बॉयज राइड और डाई। ये कुछ आती है 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें बैड बॉयज दिखाए जाते हैं जिनके हेड ऑफ द टीम के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम लग चुका है, बैड बॉयज के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, वो किसी भी तरीके से उनके सर से वो इल्जाम हटाए। लेकिन ये सब क्लियर करते करते उनके पीछे पुलिस लग जाती है और फिर उसके बाद बैड बॉयज अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं और उनके बॉस का भी क्लियर करना चाहते हैं। अब किस तरीके से ये मुसीबत से वो निपटने वाले और आगे किस तरीके से चीजें होने वाली, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छी खासी कॉमेडी देखने मिलेगी। और ये मूवी की वन ऑफ द मेन हाईलाइट है भाई मार्टिन लॉरेंस का कैरेक्टर। जिस तरीके से वो एकदम सीरियस सिचुएशन में पंच लाइन मारते हैं, वो एकदम आपको हंसा के रख देगी। और उसके साथ विल स्मिथ भी अच्छा खासा एक्ट कर लेते हैं ये मूवी में। लेकिन ये मूवी की स्क्रीन प्ले और ये मूवी की स्टोरी एकदम प्रेडिक्टेबल आती है। आपको पता होता है कि लास्ट में सब ठीक होने वाला है। आप बैड बॉयज के प्रीवियस पार्ट को तो देखना ही पड़ेगा आपको, तभी आप ये मूवी से जुड़ पाओगे अच्छे से। ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम पे ड्यूअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं। नंबर 3 की मूवी है लव लाइज ब्लीडिंग। ये कुछ आती है 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें लू जैकी दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो लू की फैमिली रहती है वो बहुत ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से आती है। और फिर उसके बाद लू और जैकी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से इन लोग का दोनों का प्यार क्रिमिनली इन्वॉल्व हो जाता है लू की फैमिली के साथ और किस तरीके से लोग की जिंदगी में मुसीबत आती है और किस तरीके से वो लोग ये मुसीबत से निकलने वाले, ये सारे सवालों के जवाब आपको ये मूवी देख के पता करने पड़ेंगे। ये मूवी आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा क्राइम भी दिखाती है। लेकिन ये मूवी में एक्शन उतना ही डाला गया है जितनी मूवी की और स्क्रीन प्ले को जरूरत है। और जिस तरीके से मूवी अच्छा खासा बिल्ड लेती है और अच्छा खासा सेटअप करती है, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। जिस तरीके से दोनों मेन लीड ने कैरेक्टर को प्ले किया है, वो बहुत ही अच्छा खासा इंगेज करके रखता है मूवी को। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे ड्यूअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 2 की मूवी है ट्विस्टर। ये कुछ आती 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जवी दिखाया जाता है जो ऐसे दो लोग को हायर करता है जो ट्विस्टर से निपट सके और उसकी रिसर्च में भी मदद कर सके। ट्विस्टर मतलब तूफानी भवंडर और जब जब वो आता है पूरे शहर को तबाह करके चला जाता है और इसको जड़ से खत्म करने के लिए इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसको फिर रोकना पड़ेगा। और किस तरीके से ये तीन लोग मिलकर इस ट्विस्टर वाले तूफान से निपटने वाले और किस तरीके से इनकी रिसर्च पूरी होगी कि नहीं होगी, अभी ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी देखने मिलेगा। और ये मूवी एक डिजास्ट्रस बेस मूवी है जिसमें आपको अच्छा खासा VFX और CGI का मिक्सअप भी देखने मिलेगा, जिसकी वजह से ये मूवी से आप एकदम हुक हो जाओगे। और ये मूवी की सिनेमेटोग्राफी तो एकदम आपको दिल को छू जाएगी। डेफिनेटली ये मूवी को आप जरूर देखेगा। और ये मूवी में ग्लेन पॉल और डेजी एडगर ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया, जिसकी वजह से ये मूवी से आप अच्छा खासा जुड़ पाते हो। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे ड्यूअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम कामयाब हुए तो हजारों जिंदगियां बच सकती हैं। नंबर 1 की मूवी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ऐसा टाइम दिखाया जाता है जहां पर इंसानियत एकदम खत्म होने पे और एप्स लोग का राज चल रहा होता है। और यहां पर नोवा दिखाया जाता है जिसके परिवार के ऊपर अदर्स एप्स लोग हमला कर देते हैं और उसके सारे जितने भी गाँव वाले लोग को सबको उठा ले जाते हैं और नोवा निकल जाता है ये सब लोग को बचाने के लिए। अब नोवा किस तरीके से अपनी रिवेंज जर्नी को पूरा करने वाला और कितनी मुश्किल उसके रास्ते में पड़ने वाली, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का एक्शन दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा VFX और CGI का मिक्स दिखाती है और जो साइफाई टच इसको दिया गया, जिसकी वजह से ये मूवी अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। और ये मूवी देखने के लिए आपको कोई भी प्लेनेट ऑफ द एप्स की मूवी नहीं देखनी पड़ेगी, आप फ्रेश स्टार्ट ले कर सकते हैं ये मूवी से। और ये मूवी एक्शन के कंपैरिजन में बहुत ही लो पड़ जाती है, लेकिन ये मूवी का जो VFX और CGI किया गया, जो स्टोरी टेलिंग अच्छे से की गई, जिसकी वजह से ये मूवी आप देख सकते हैं। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ड्यूअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। आज का दिन शानदार है। तो ये थी मेरी न्यूली टॉप 10 एक्शन मूवीज जो 2024 में रिलीज हुई है। अगर इन लिस्ट में से आपकी कोई भी मूवीज फेवरेट बन गई और जिनको आपने देख लिया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रिकमेंडेशन में।